हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। चलिए जी, आज का जो व्लॉग है मैंने यहाँ से शुरू किया है, बाहर से ये देखें, क्योंकि आज मौसम अच्छा था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया कि आओ मैं तुम्हें बाहर वॉक पे लेके चलता हूँ, तो इसलिए फिर हम आ गए बाहर वॉक पे। तो हरियाली चेक करें आप मेरे पीछे, ये देखें जी, हम थोड़ी सी वो करते हैं वॉक, अब बैठेंगे थोड़ी देर तो फिर हम घर वापस जाएंगे। ये देखें जी, मेरे हस्बैंड जो मेरे से वो भी वॉक कर रहे हैं, मैंने कहा चलो अभी थोड़े से स्मार्ट हो जाओ मुझे मोटी मोटी कहते रहते हैं ना, खुद भी थोड़े से स्मार्ट हो। ये देखें, यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, और बच्चे जो हैं वो हैं नहीं तो मैं उनको लेके आती साथ अपने। अभी मुस्तफ़ा छोटा सा है तो उसके लिए भी ये झूले जो हैं बड़े हैं, तो इसलिए जी ये देखें फिर प्यारे लग रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो भी हैं नहीं थे घर, बच्चे गए हैं अपनी नानों की तरफ, तो मैंने कहा चलो जी हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। इनके ऊपर पानी गिरा हुआ है, बारिश हुई है ना रात को, तो इनके ऊपर पानी जो है ना गिरा हुआ है, इसलिए यहाँ देखिए जी गाइस, ये देखो कितना प्यारा फूल है, ये देखिए खुशबू पता नहीं कैसे, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। आगे भी हम देखते हैं, आगे भी लगे हुए हैं। चलो जी, थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे थे, रेस्ट की है थोड़ा, यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा एंजॉय किया जी मौसम, और बैठे हैं अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, रास्ते से लेते हैं नाश्ता, तो फिर वो जाके हम लोग करते हैं नाश्ता जी। देखिए जी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ मौसम चेक करो गाइस, ये वाला है। हाँ ये मैं तो नहीं हूँ तो यहाँ पे आ गए, देखते हैं अब जी हम बैटरी से सामान ले रहे हैं। बस यही है, चलो जी यहाँ से हम बिल करवाते हैं अब। एक छोटा मिल पैक दे दें, एक मिल पैक पाओला दे, बारिश शुरू हो गई है बाहर चल रहे हैं, दिखाते हैं कि बारिश भी हो गई है शुरू। A few moments later. बाहर बारिश हो रही थी, हमें जल्दी से घर आना पड़ा, हमने रास्ते में से ना नाश्ता अपना जो है ले लिया, तो मैं जा रही हूँ ऊपर। बारिश देखो गाइस,
बारिश चेक करो गाइस, इतनी बारिश हो रही है। हम अच्छे टाइम पे ना वहाँ से निकल आए, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कहते बारिश होनी है, तो मैं उनसे हंस रही हूँ, मैं अगर नहीं बारिश नहीं होनी तो कहते हैं नहीं होनी है बारिश। बस ये देखे ये बादल कितना प्यारा से लग रहे हैं, जैसे पहाड़ हैं ये ना जो घर बने हैं इनके घर की बैक साइड पर ना ऐसे लग रहे हैं जैसे ये पहाड़ हैं। ये देखे ये देखे जी, दही निकालते हैं जी, दही मैं निकाल ली है, ये देखें जी। और दूध भी मैं ले आई थी, और ये जो है ना ये मैं अपने हस्बैंड को दे के आती हूँ अंदर, वो ना उतनी देर नाश्ता एक जैसा करते हैं। ये लो मौसम बड़ा प्यारा हुआ, अगर बारिश ना ना होती तो मैंने वहीं पर रुकना था थोड़ी देर और, पर बारिश हो गई, चलो कोई बात नहीं, घर में एंजॉय करते हैं। डाल दो। हाँ जी डालो, मैं ही डाल देना, मैं बना के ले आई हूँ, आप डाल दो। ग्रैंड बरौनी भाई, ग्रैंड की है। अच्छा ग्रैंड की है, मैं क्या ब्रांड की है, ग्रैंड। लो जी क्या बात, क्या बात, सुबह सुबह लस्सी और ब्रेड। दोबारा क्या करो, ये जो है ना खाने का मजा ही अपना है, सुबह सुबह नाश्ता करने का, ठीक है ना, लस्सी का, ये हमारा पंजाबी हमारा नाश्ता, ये पहलवाना वाला, ये इसको मैं ऐसे डुबो के अल्लाह में तो लस्सी जड़ी है ना बनी जे बाजार वाली मेरी, क्या बात है, मैं निकालू निकालो इसको ऐसे करके बड़ी मुश्किल से ही निकाला बेटा, ठीक है, शुक्र है अल्लाह, तुम तो निकल दे आए ना, बारिश भी हो रही है यार। ये देखिए कैसा केक बनाया है इन्होंने, क्या बात है जी, क्या जबरदस्त, ये कह रहे थे हमारा अपना है तैयार किया हुआ सामान, सुबह मीठा नहीं ज्यादा खाना चाहिए, शुगर हो जाती है। चलो हम दोस्तों की करना है हमारा हो चुका है, और मेरे हस्बैंड जो है वो चले गए ऊपर छत पे, क्योंकि बारिश जो है रुक गई है तो ऊपर गए छत पे, तो अभी मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ, उसके अभी सुबह के बजे हुए 8, तो अभी सोती हूँ मैं भी, तो उठ के तो ये ना बर्तन वगैरह रखे। हस्बैंड मुझे ऊपर आवाज़ें दे रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर आओ, तो मैं आपको एक चीज़ ही कहूँ, आप बच्चे नहीं ना, अगर मैं मुझे सोने नहीं देना, मुझे लगता है मैं जा रही हूँ ऊपर, देखते हैं क्या कर रहे हैं ऊपर, क्या कहते हैं मुझे, इन्होंने क्या दिखाना है, तो फिर चलते हैं ऊपर, देखते हैं इन्होंने गाइस। बारिश रुक गई है, मौसम बड़ा अच्छा हुआ आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी हमारे, ये ना हमारे जो मुर्गे ना अजाने भी देना शुरू कर दी हुई है इसने, मैं जा रही हूँ ऊपर। कहाँ है वो, अंदर सामने, कोई अंदर नहीं जाना, मैं अंदर मैं नहीं जाना, आ जाओ। अच्छा ये इधर से निकाल कर ही, मैं ये लो फिर दरवाज़ा बंद करके कर दो, ठीक है जी। ये देखे जी बच्चे कौन से निकले हैं, वो दिखाओ बच्चे, वो छोटे छोटे बिल्कुल, अभी तो छोटे हैं, एक ये है
ये नीचे पेटी के अंदर है, ये निकला हुआ है, ये और ये दो ये निकले हुए हैं, ये अंदर है, ये 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 सोके उठी तो मेरे हस्बैंड जो है वो ले आए थे करी, तो उन्होंने मुझे बोला जी आप करी बना लो, तो बस मैं ना करी पका रही हूँ। ये देखिए जी करी जो है अभी मैंने ऊपर रख दी है पकने के लिए। करी का जो है मैंने इसलिए नहीं बताया ज़्यादा कि मैं अपने पहले ब्लॉग में ना करी का बता चुकी हुई हूँ, तो इसलिए वो मैं तैयार करने लगी थी। मैंने कहा चलो ये मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूं क्योंकि ये थोड़ा सा पहले वाली करी से ना थोड़ा सा हट गया। अच्छा ये ऑयल जो है ना ये मैंने प्याज फ्राई करके तो निकाल दिया है ऑयल, बाकी करी जो है वो पक रही है। ये हरी मिर्चियाँ ज़रा मोटी वाली आना शुरू हो गई हैं, पहले बड़ी बारीक बारीक आती थी, तो एक दो मैं काट दूँगी इसके अंदर बारीक बारीक और बाकी जो है इसके अंदर मसाला बन गया इसको भी फ्राई करूँगी। और ये मैंने अंडे मंगवाए हैं इसको भी मैं पहले अच्छी तरह इनको पका लूँगी उबाल के, और फिर मैं इसको बेसन लगा दूँगी। बेसन लगाने के बाद फिर मैं इसको ना करी के अंदर डाल के तो शामिल करके फिर खाएंगे। ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल रही हैं, इसके अंदर आलू भी फ्राई करके डालते हैं लेकिन वो मैंने कहा नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए बस ये दो आइटम जो है ना ये इसके अंदर डालती हूँ आज। तो ये पकौड़ों वाला जो है बैटर ये भी मैं अपनी रेसिपी में बता चुकी हूँ पहले व्लॉग में, बाकी ये जो है ये मैं भरते हुए आपको दिखा दूँगी और ये भी दोनों चीज़ें जो है ना मैं आपको फ्राई कर दूँ तो फिर दिखाती हूँ। तो फिर जब भी मैं करी पकाती हूँ पकती है मेरी करी और बर्तन भी जो है हमारे ये भी इकट्ठे हुए हैं, कुछ नाश्ते के कुछ अभी हुए हैं इकट्ठे, तो बस इनको भी वॉश करती हूँ साथ साथ। जी करी पक रही है और एक साइड पे ना मैंने रख दिए है पानी अंडों के लिए, तो इसके अंदर मैं डालती हूँ अंडे। अब मैं डाल देती हूँ सफ़ेद सिल्का, ये देखिए एक दो कतरे ना ये डाल दूँगी। सर मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक, इसके जो छिलके हैं ना ये उतरते नहीं है किसी टाइम पे, बिल्कुल ठीक उतरता है किसी टाइम पे ये उतरता नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर ना ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं ताकि इसके जो छिलके ना जल्दी से उतर जाए। बाहर गए हैं तो वहाँ से ना मेरे लिए वाटर मैलन लेके आए हैं, ये देखें तो ज़बरदस्त है ना मज़ेदार। तो अभी इसको करते हैं ठंडा, तो ठंडा करके जो है ना फिर मैं इसको खाऊँगी। ये देखिए पकौड़े अभी मैं ये भी फ्राई करने लगी हूँ। जो है वो मेरे पक रहे हैं करी रहे जी, करी यहाँ पे पक गई है और यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए जो टिक्की बनाई थी वो ही कम तेल में, ये देखिए जी बाकी के जो है ना पकौड़े मैंने बना के रख दिए, अंडे भी उबाल के रख दिए और हरी मिर्ची जो है ना वो मैंने अब इसके अंदर नहीं डाली क्योंकि इसका मसाला जो है ना वो मुझे मिला ही नहीं बाज़ार से, तो इसलिए ये मैंने अब नहीं डाला। बाकी ये जो ऑयल निकाल के रखा था इसका मैं लगाऊँगी एक तड़का ज़ीरे का, बाकी ये जो पकौड़े हैं मैंने बना के रख दिए, ये देखिए जी ऐसे इनको तोड़ के तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये कम ऑयल में ना हो जाता है काम, ज़्यादा ऑयल नहीं होता इसमें इस्तेमाल, ये देखिए जी ऑयल में मैंने ज़ीरा डाल दिया, तो इसको हल्का सा सोते करेंगे और फिर मैं उसके अंदर डाल दूँगी।
खाना खाते हैं जी, खाना खा के तो फिर दोबारा।